राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा का हवाला देकर मंत्री को रोके जाने पर सियासत शुरू हो गई। सरकार के मंत्री के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी राजभवन जैसी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाता है और ऐसे शब्दों का इस प्रयोग करता है, ये बिल्कुल संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने वाला है। मंत्री जी का विशेष अधिकार है कि किसी भी नागरिक को मंत्री के रूप में शपथ दिला सके, संवैधानिक उपबंध है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि डुमरी का चुनाव आने वाला है और वहां के उम्मीदवार को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। इसका साफ अर्थ है कि मुख्यमंत्री जी को अपने कामों पर भरोसा नहीं है, अपने सरकार पर भरोसा नहीं है और मंत्री का पद की संवैधानिक पद की को देकर के वो जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।